अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड विच ऑफ दी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स एंड विच इरेशनल नंबर। तो जरा देखो, इस एक्स का स्क्वायर अगर आप हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और वो भी प्लस माइनस में। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, y का स्क्वायर है 9। इस स्क्वायर को हटाओगे उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा प्लस माइनस में, जिसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, विच इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इतनी बात समझ में आ रही है? z देखो जरा, इस स्क्वायर को हटाओगे उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो डेसिमल हटाओगे जब आप, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। और इसको हटाओगे, z का स्क्वायर हटाओगे उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा? अरे z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 दिया हुआ है ना, डेसिमल को हटाओगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। तो z का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4/100। इस स्क्वायर को हटाओगे उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट हमें 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, और 100 का पता है 10। तो आंसर कितना आ रहा है? 1/5। देखो 2 से डिविजिबल है ना, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। हां जी देवी जी, इस स्क्वायर को हटाया उधर स्क्वायर रूट लग गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। उसमें क्या दिक्कत है? अब आ जाओ लास्ट वाले पे। देखो इस स्क्वायर को हटाओगे उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा प्लस माइनस, अंडर रूट 17/2। अंडर रूट 17 कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो इसका मतलब पहले वाला क्या है? इरेशनल। दूसरा वाला रैशनल। थर्ड भी रैशनल है। फोर्थ वाला इरेशनल। फर्स्ट एंड लास्ट इज आर इरेशनल। ठीक है।